मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आओ हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जिसने हमें दिन भर संभाल के रखा, हर एक उस परेशानी से, हर एक उस संकट से जो अचानक से आ पड़ते हैं, हमारी रक्षा की, उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और उसको महिमा दें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर महान है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। और जो अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, जो उसके भय में जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो महाराजा है, राजा है, राजाओं का राजा वो महाराजा है। हालेलुया। और जब हम उसके सामने नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करते हैं, कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हमें अपने पुत्र पुत्री बनाया है और हमें अधिकार दिया, यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 22:24 में लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। हालेलुया। परमेश्वर महान है और जो मनुष्य अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से छुटकारा देता है। हालेलुया। तो आइए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, हर एक उन संकटों से, हर एक उन प्रभु जी दुख मुसीबत से सुरक्षित रखा जो प्रभु जी अचानक आ पड़ते हैं। पिता परमेश्वर आपने मेरी रक्षा की और आने जाने में मेरी मदद और सहायता की। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, पिता परमेश्वर आपकी युगानुयुग महिमा होती रहे। मेरे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हम अपने जो भी आज गुनाह अपराध प्रभु जी हमसे हुए हों, मेरे पिता परमेश्वर जाने अनजाने में हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर, और अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखना प्रभु जी। और जिस भाई बहन ने हमारे बारे में प्रभु जी ऊट पटांग सोचा हो, मन में ख्याल आया हो प्रभु जी, उनको भी माफ़ करना मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इन बातों को अभी नहीं समझते। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप इन सब में प्रभु जी महान हो पिता परमेश्वर, और आप ऐसा करते हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जैसे आपका वचन कहता है, वचन संहिता 22:24 में लिखा, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। मेरे पिता परमेश्वर महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं और प्रभु जी उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जगह जगह जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, इस पृथ्वी पर हैं मेरे पिता परमेश्वर, और उनका भरोसा सिर्फ आप पर है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनकी शुद्धि लीजिए और हर एक संकट से छुटकारा दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है वो दीन जन को तुच्छ नहीं समझता। प्रभु जी आप महान हो, उन पर कृपा और आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार मनुष्य है मेरे पिता परमेश्वर और वो इस वीडियो को सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, आप एक समय में प्रभु जी हर एक जगह उपस्थित हो सकते हो पिता परमेश्वर। आप महान हो पिता परमेश्वर और आपकी करुणा अपार है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर महान परमेश्वर, यदि वो विश्वास करता है, विश्वास करती है मेरे पिता परमेश्वर, तो उसकी बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जिससे वो आपकी महिमा कर सके मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी पवित्र रूह उसे छुए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार हो मेरे पिता परमेश्वर, तेरा भय उस जगह पर आए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उन्हें मालूम हो कि जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, तू जब मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा। प्रभु जी सुनकर उन्हें छुटकारा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी गुनाह गलती हुई हो मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन दास दासियों के लिए प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपका शांति का सुसमाचार हर एक जन हर एक क्षेत्र तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु जी दिन भर परिश्रम करते हैं पिता परमेश्वर, यदि वो घर वापस आ गए हों पिता परमेश्वर तो उन्हें अच्छी नींद देना मेरे पिता परमेश्वर, हर एक उन प्रभु जी टेंशनों से आज़ाद करना मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और सुबह का फजल दिखाना मेरे पिता परमेश्वर, जिससे अधूरे कार्य को पूरा कर सकें मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। और जो भाई बहन दास दासी बेटा बेटी मार्ग में रह गए हों पिता परमेश्वर, जिस गांव में जिस क्षेत्र में प्रभु जी रुके हों, वो गांव वो क्षेत्र आशीषित हो मेरे पिता परमेश्वर, वहां के लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, जब हम सोएं प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरी दृष्टि में रहें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हरेक उन सपनों को प्रभु जी, हरेक उन आने वाले संकटों को यीशु के नाम से दूर करता हूँ प्रभु जी। आपकी दया आपका अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।